हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल प्रांगण संसार में। तो मैंने अमेजोन से पेपर मंगाया था, ब्रिस्टल पेपर। तो उस प्रोडक्ट को हम खोलते हैं और देखते हैं कि कैसा आया है। तो मैंने इस पेपर का यूज़ मैंने कभी नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। मैं फ़र्स्ट टाइम इस पेपर का यूज़ करने वाली हूँ। जनरली मैं LRS सीट के पेपर ही यूज़ करती हूँ रेगुलरली, तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम होगा ब्रिस्टल पेपर मैं यूज़ करूँगी। और मैंने जनरली सुना है यूट्यूबर से, आप कहीं भी सर्च करोगे तो आप सुनने को आएगा। और मैंने देखा भी है कि ब्रिस्टल पेपर वाकई में बहुत अच्छा होता है। तो आज हम देखेंगे भी ड्रॉ करके कि कैसा होता है। मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ इसके टेक्स्चर। तो टेक्स्चर आप देख पाओगे तो देख रहा होगा कि ये थोड़ा रफ सरफेस है, सिमिलरली है, दोनों साइड सिमिलर है। और ये पोर्ट्रेट को मैं ड्रॉ करूँगी। तो मैं ये इस तरह के फोटोज़ आपको गूगल में आसानी से मिल जाएगा, तो मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया है। मैंने पूरी वीडियो ड्रॉ करते हुए नहीं की है। और मैं यही पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँगी ब्रिस्टल पेपर पे। और मैं आइस पे ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि कैसा ड्रॉ होता है और सेटिंग कैसा होता है, कैसी कलरिंग आती है इसमें, किस तरह से सेटिंग हो पाती है, कैसा लुक आएगा इस पेपर में। तो चलिए हम स्केचिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा होता है ब्रिस्टल पेपर पे। तो आप देख सकते हो कि कैसा स्केचिंग हुआ है। और मैं ये फ़र्स्ट टाइम मैंने ब्रिस्टल पेपर का यूज़ किया है मैंने तो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ये पेपर भी बहुत अच्छा रहता है, आप स्केचिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड टेक केयर एंड थैंक यू।